अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, एडवोकेट अमीर हमजा है। इन द फर्स्ट टू लेक्चर वी विल डिस्कस इनकम टैक्स बेसिस, रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स। टुडे वी विल डिस्कस चेंज योर पर्सनल डिटेल। ए पर्सन कैन चेंज देयर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन थ्री पॉसिबल वेज। थ्री मेथड के तहत एक पर्सन जो है अपनी जो है ना पर्सनल डिटेल को चेंज कर सकता है। नंबर फर्स्ट है इसके अंदर चेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू IRIS। ए पर्सन कैन चेंज अपडेट इंफॉर्मेशन बाई लॉगिंग इन टू IRIS। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड बाई द पर्सन थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर 181 फाइल फॉर मोडिफिकेशन इनकम टैक्स। नंबर एक है मोबाइल नंबर, ईमेल, पर्सनल रेजिडेंस एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, एडिशनल बिजनेस ब्रांचेस। These changes can be changed. A legal representative or bank account. These information can be changed by IRIS portals. If you want to see, I will give you a demonstration. Now we go to IRIS. Okay. We will log here. यहाँ पे अपने पासवर्ड देना है। ये हम हो गया जी लॉगिन। ओके, इसमें हमने डिस्कस करा था माय प्रोफाइल में हमें जाना होता है। माय प्रोफाइल, इसमें पर्सनल डिटेल जो होती है, जैसे यहाँ पे मेरा नाम अमीर रमजान है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ रही है, मेरी RTO आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है ये कैन नॉट बी चेंज। आप देख रहे होंगे जैसे इसके ऊपर मैं सर्कल को क्लिक करता हूँ तो वो चेंज नहीं कर रहा मेरी इंफॉर्मेशन को ना। बट ये ईमेल जो है आई कैन चेंज कैंसल। अगर मैं यहाँ पे ईमेल न्यू इंसर्ट करूँगा तो मेरी ईमेल को चेंज कर देगा। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो कर देगा, मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर देगा। और ये आपको मोबाइल नंबर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो होता है ना सिलेक्ट, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को कर देता हूँ मोबिलिंक। यहाँ पे मैं सेल नंबर लिखता हूँ 03099633088। इसमें 0092 भी आएगा स्टार्टिंग में, 0092। ओके, 0092309963088। इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये ओके हुआ तो ये सेल फोन के ऊपर एक कोड आएगा। यू सीन सेल फोन नंबर अपडेट सक्सेसफुली। अब वेरीफाई चेंज जो है ना, इसको एक पिन देना होगा मुझे वेरीफाई चेंज के लिए। इसके लिए जो पिन आपने रखा होगा वो पिन आपको सबमिट करना होगा यहाँ पर। तो ये मैंने वेरीफाई पिन कर दिया। ओके, okay.
ये यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कैन बी चेंज। अब इनकम सोर्स पे आ जाते हैं, ये इनकम सोर्स भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बिजनेस है, बिजनेस टैब के अंदर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, नीचे ओपन हो रही है ना, ये यहाँ से ये बिजनेस पे स्टेप पे जब मैं गया था तो ये बिजनेस यहाँ से ओपन हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना, ये प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन क्लिक करते हैं। ये प्लस का बटन क्लिक करा तो ये फॉर्मेट खुल जाता है, इसमें बिजनेस नेम, सिलेक्ट कैपिटल, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आप देंगे, इसको ओके करेंगे तो ये सब जो है ना इंसर्ट हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। एड्रेस है, ये देखिए एड्रेस भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ से प्लस का बटन दबाएं और चेंज कर दें, या यहाँ से एडिट का बटन दबाएं, इसको डिलीट कर सकते हैं ये पहले एड्रेस को। इट्स आवर आर इन योर कंट्रोल ना। यूटिलिटी कनेक्शन है, यहाँ पे आपके जो भी यूटिलिटी कनेक्शन है इनको आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं और जो है ना चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो बैंक अकाउंट डिटेल है ना, देखिए मैंने यहाँ पे एक बैंक अकाउंट डिटेल दी हुई है ना, ये सारी ना, तो ये मैं इसको यहाँ से एडिट करूँ तो ये एडिट हो जाती है। इसके लिए बड़ा इजी है, सबसे पहले आप देखें यहाँ अकाउंट होता है, जहाँ पे अकाउंट होता है इसमें ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्ट अकाउंट यूनिटी बॉन्ड, किस का क्या कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट है, इसको अकाउंट ही रहने देता हूँ। आप ये बोलेगा अकाउंट कौन सा है, अकाउंट की कैटेगरी क्या है, जैसे करंट होता है मेरा, तो फॉर एग्जाम्पल ये है सेविंग अकाउंट है, तो ये मैंने सेविंग अकाउंट क्लिक करा हुआ है। ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है इसके अंदर जब हम सर्च करते हैं तो वो जो बैंक होता है उसका नाम जैसे HBL है, ठीक है, जैसे इसको एंटर करो तो वो वहाँ पे सर्च कर देता है, बैंक सर्च कर देता है। ये क्या उसमें IBFT अकाउंट नंबर होता है, वो दे मर्जी आपकी दे या ना दे, ऑप्शनल है, उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है ना आपको अपना जो है ना 36 इंचों का जो होता है IBAN पूरा मुकम्मल कोड देना होता है, यहाँ पाकिस्तान लिखना होता है, इसमें ये बताना होता है कि आप यहाँ टेनेंट हैं क्या हैं, और शेयर में 100% करना होता है। अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, बट आई क्लोज इट बिकॉज माई आई एम नॉट एडिटिंग। और इसमें जब प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन क्लिक करते हैं तो आप इसमें कोई और दूसरा बैंक अकाउंट जो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, वो भी सारा प्रोसीजर आपने देख लिया था, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली सिर्फ पर्सनल डिटेल को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे एंटर कर सकते हैं हम ना, ये देखिए यहाँ ये प्लस का बटन दबाते हैं तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नेम, स्टार्ट डेट और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है आप उसको भी इसमें चेंज कर सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 87 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इसको चेंज किया जा सकता है। बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। आज का जो लेक्चर था ये हमारा सिर्फ था जो है ना पर्सनल डिटेल के ऊपर, कि हम अपनी जो है ना चेंज योर पर्सनल डिटेल कैसे करते हैं। मैंने आपको दोनों तरीक़ों के बारे में बता दिया है, आप इनको अप्लाई करके बड़ी आसानी से अपनी जो है ना पर्सनल डिटेल को चेंज कर सकते हैं। एंड फॉर द कंसल्टेंसी यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, आई एम विद यू फॉर एवर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस चैनल एंड माई नंबर इज 0309963038। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ना, सब्सक्राइब।
इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इफ यू सब्सक्राइब टू चैनल, इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी इन दिस वे. आई प्रिपेयर मोर वीडियोज इंशाल्लाह. इन द नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो है इसके बारे में कितनी किस्म की रिटर्न होती है, ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो टुडे. एंड अगेन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द मोटिवेशन.